The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, hi everyone, this is Dr. Paramjeet. Again, we are going to talk about another breathing problem, which is a rapid shallow breathing. Hyperventilation, क्या है rapid shallow breathing, क्या है? देखिए, एक normal आदमी, एक normal breathing rate, एक normal adult के लिए होता है 8 से 16 breath per minute. 8 से 16 breath per minute आप लेते हैं. एक छोटे बच्चे के लिए, infant अभी पैदा हुआ, उसके लिए normal rate, breathing rate हो सकता है up to 44 per minute, लेकिन एक adult के लिए 8 से 16. टैकीपनिया मतलब ये होता है कि जब आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज ब्रीदिंग होने लग जाए या बहुत शैलो हो जाए. शैलो और डीप का फर्क आपको समझना चाहिए. डीप मतलब आप लंबा गहरी सांस ले सक रहे हैं, शैलो मतलब सतह सतह पर. ये शैलो ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग यानी. तो अगर आपकी शैलो रैपिड मतलब तेज, 16 से ज्यादा रेट और शैलो ब्रीदिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइपरवेंटिलेशन. ये कुछ बीमारियों में भी हो सकती है, एंजाइटी में भी हो सकती है. सो हाइपरवेंटिलेशन का मतलब होता है रैपिड शैलो ब्रीदिंग या रैपिड डीप ब्रीदिंग भी हो सकता है, दैट इज हाइपरवेंटिलेशन. ठीक है, रैपिड डीप ब्रीदिंग ज्यादातर हाइपरवेंटिलेशन माना जाता है. इट कैन बी ड्यू टू एंजाइटी, पैनिक एंड सम लंग डिजीज. लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्या क्या रीजंस हैं इसके. पहला रीजन है बहुत कॉमन, एस्थमा. अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, एस्थमा, चोकिंग हो रही है, कुछ अटका हुआ है, सीओपीडी या कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज है, कोई हार्ट फेलियर है, लंग में इंफेक्शन हो, न्यूमोनिया हो, या फिर जैसा मैंने लंग के ब्रोंकियोल्स, जैसे सांस की नलियां हैं, बड़ी वाली ब्रोंकाइटिस या छोटी वाली ब्रोंकियोलाइटिस, इन सब में इंफ्लामेशन हो, तो भी ये होगा. जी हाँ, शैलो ब्रीदिंग होने लग जाएगी. और अगर लंग के खून की नस में एक ब्लड क्लॉट आ जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो भी शैलो ब्रीदिंग होगी, रैपिड ब्लीडिंग हो जाएगी. और अगर मान लीजिए नए जो अभी भी बच्चे पैदा होते हैं, उसमें भी कभी कभी कुछ दिनों के, कुछ देर के लिए ट्रांजिएंट टकिपनिया हो सकता है. सबसे कॉमन रीजन आपको भूलना नहीं है एंजाइटी और पैनिक अटैक. एंजाइटी पैनिक अटैक्स में ये बहुत कॉमन है. भीड़ में जाना, लिफ्ट में, बंद कमरे, ऐसी कोई भी जगह जिससे आपको डर लगता है, पहला काम कॉकरोच दिख गया, पहला काम होता है रैपिड ब्रीदिंग शुरू हो जाती है. रैपिड शैलो ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली अगर हो रही है, पक्का आपको पता है कि एंजाइटी नहीं है. पहले अपने आप से पूछो, अपने बगल वाले से, अपने घर वाले से पूछो, डू यू थिंक कि मेरी जो रैपिड ब्रीदिंग, जो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एंजाइटी. अगर उसको लगता है तुम डर रहे हो, सिर्फ एंजाइटी, कुछ नहीं हो तुम, देन रिलैक्स, देन ट्राई टू रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ, आराम से रिलैक्स होके एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लो या भाप लो या कुछ मीठा या कुछ अच्छा टेस्टी खा के देखो, रिलैक्स करके देखो, ठीक हो जाओ. डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करो. लाइक वाइज सेड, नाक से इन और मुंह से आउट. मुंह से आउट करना है पाउट करके, पर्स्ट लिप ब्रीदिंग. नाक से इन 1 या 2 सेकेंड, मुंह से आउट 2 से 4 सेकेंड, डबल. इस तरह से ब्रीदिंग करिए, 2-5 मिनट में आपको रिलैक्स मिल जाएगा, 10 मिनट मैक्सिमम. अगर आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है, अगर ये एंजाइटी नहीं है, तो भैया इसको घर पे ट्रीट नहीं करना है. रैपिड शैलो ब्रीदिंग इज नॉट गुड. अगर अस्थमा है तो अपने इनहेलर ले लो, डॉक्टर से बात करें. अगर आपका सैचुरेशन कम हो रहा है, हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, छाती में दर्द है, चेस्ट में पेन है, फीवर है, या लेबर्ड ब्रीदिंग, चलने से ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ रही है, किसी भी प्रकार से सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, इट माइट बी अ डेंजरस थिंग. ओके, देखो पक्की बात है पैनिक है तब तो ठीक है, नहीं है पैनिक तो भैया अस्पताल जाना है, डॉक्टर को दिखाना. इन दैट केस आपके लंग फंक्शन टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड गैस, एक्सरे, सीटी स्कैन, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईसीजी, राइट, कंजेस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, ये सारे किए जाएंगे देखने के लिए कि केमिकल बॉडी, लंग में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लड में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, क्या है आपको, हुआ क्या है. तो ये सारी चीजों पे पता करने के बाद, एग्जैक्ट कारण पे पिन पॉइंट करने के बाद होगा आपका इलाज. ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. जब तक ये सब नहीं होता, जनरलाइज ट्रीटमेंट मतलब आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा, आपको हो सकता है एंजाइलिटिक्स कुछ दिया जाए, हो सकता है आपको एंटासिड या ऐसी कोई दवा दी जाए, हो सकता है ये सारी चीजें दी जाए. एस्थमा है तो हो सकता है आपको नेबुलाइजर दिया जाए, बाइपैप दिया जाए, या फिर
कभी कभी स्टीरोइड के कोई इंजेक्शन दिया जाए, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन आपको इंजेक्शन या आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस जो लग रहा है। अगर इन्फेक्शन लगता है तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, अस्थमा अटैक लगता है तो फिर स्टीरोइड्स या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। सो अगेन ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा, ये जजमेंट आपका नहीं है, ये जजमेंट डॉक्टर का है। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको किसी प्रकार से रैपिड शैलो या रैपिड डीप टैकीपनिया, जिसको हम बोलते हैं रैपिड हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट फास्ट या शैलो ब्रीदिंग हो रही है, या आपके रेस्पिरेटरी रेट अगर 17-18 है तो डर मत जाना कि डॉक्टर साहब आपने तो 16 बोला था, मेरा तो 17 चल रहा है, मेरा तो 18 चल रहा है, थोड़ा सा एंजाइटी में भी बढ़ जाएगा। मगर अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, देन देयर इज सम डेफिनेट प्रॉब्लम, और कंटिन्यूअस है तो ज्यादा प्रॉब्लम। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए बढ़ गया, सर मेरा ना मेरे 2-5 मिनट, जब मैं पूरे दिन में 5 मिनट के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया था, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, सेम वे कि 5 मिनट के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, 5 मिनट के लिए हार्ट रेट बढ़ गया था, 5 मिनट के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, उससे कुछ नहीं होता। द प्रॉब्लम इज कंटिन्यूअसली अगर बढ़ा रहता है, कंटिन्यूअसली बढ़ा रहता है, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड दैट वॉरेंट्स इवेल्युएशन। सो कंटिन्यूअस हार्ट रेट बढ़े, कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर बढ़े, कंटिन्यूअस रेस्पिरेटरी रेट बढ़े, देन कंटिन्यूअस सैचुरेशन ड्रॉप करे, ऑक्सीजन सैचुरेशन, दैट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम। ऑलराइट, थोड़ी देर के लिए कई बार मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार आपने ढंग से सांस नहीं ली, कई बार आप पैनिक हो, कई बार आपको डिहाइड्रेशन है, कई कई सारे टेम्पररी रीजंस आर देयर फॉर ऑल दीज पैरामीटर्स टू गो ऑफ द लिमिट्स। बट अगेन लाइक आई सेड, योर बॉडी कैन हैंडल थिंग्स, योर बॉडी कैन हैंडल अ ब्लड प्रेशर हाई इनफ टू इवन 180-200। जब आप तेज दौड़ रहे हो, फुल स्पीड दौड़ रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर उतना तेज चला जाता है। सो योर बॉडी कैन हैंडल दैट, बट नॉट फॉर 24 आवर्स, राइट, नॉट फॉर कंटिन्यूअस 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स कंटिन्यूअस रनिंग नहीं कर सकते, आपको थक जाओगे, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। सो दैट्स द पॉइंट हियर। सो वट एवर इज हैपनिंग इन योर बॉडी, इट नीड्स मॉनिटरिंग। इफ एनीथिंग इज कंटिन्यूअसली एबनॉर्मल, कंटिन्यूअसली एबनॉर्मल, देन इट नीड्स एवेल्युएशन। सो सेम थिंग गोज फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पैटर्न अगर आपका चेंज हो रहा है, ब्रीदिंग रेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, डेप्थ आपकी स्लो हो रही है, सैचुरेशन आपका फॉल हो रहा है, पल्स रेट आपका बढ़ रहा है, बीपी एबनॉर्मल हो रहा है, इनमें से कुछ भी कंटिन्यूअसली एबनॉर्मल जा रहा है, टॉक टू योर डॉक्टर ऑन फोन एंड गो टू अ हॉस्पिटल इफ नीडेड। दैट्स ऑल अबाउट रैपिड शैलो ब्रीदिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इफ इट डिड, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सारे लोगों को फैलाना है, ये वीडियो भेजना है, और कोशिश करनी है सब के सब सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।